नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। पलवल जिले में गेहूं की बंपर पैदावारी होने के चलते अनाज मंडी में गेहूं की आवक अधिक हुई है। मंडी में हेफ एंड वेयर हाउस व फूड एंड सप्लाई एजेंसी द्वारा खरीदी की जा रही है। मंडी में गेहूं की फसल लेकर आने वाले किसानों ने बताया कि मंडी में शनिवार से लेकर अभी तक गेहूं की खरीद नहीं हुई है। गाँव चन्हाटा के किसान प्रहलाद सिंह ने बताया कि मंडी में गेहूं की फसल लेकर आए हैं, लेकिन मंडी में गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। मंडी में अड़ोतियों से भी फसल खरीदने की बात की गई, लेकिन उन्होंने भी फसल की खरीद से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि मंडी में कोई अधिकारी भी मौजूद नहीं है, जिससे फसल की खरीद के बारे में शिकायत की जा सके। पहला चांट से दिक्कत इतनी आ रही है जी, सगरों तो गांव में छोड़े पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं और नाज तुलने की कोई संभावना ही ना। आड़े थी तो कह आड़े थी नट जाए, बताओ मैं कैसे तू बताओ कैसे करे, कहाँ ले जाओ, कहाँ करे, ऊन तो कह जाए। गाँव अमरोली के किसान अनूप सिंह ने बताया कि मंडी में पिछले 4 दिनों से गेहूं की फसल बेचने के लिए आए हुए हैं, लेकिन गेहूं को खरीदा नहीं जा रहा है। खरीद एजेंसी बारिक दाने की कमी का बहाना बनाकर फसल की खरीद नहीं कर रहे हैं। मंडी में गेहूं की खरीदी हो रही है या नहीं, इसके बारे में जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी निरीक्षण करने नहीं आया है। गेहूं की फसल है दिन से पड़े हैं यहाँ मंडी में, 4 दिन से कोई खरीद नहीं हो रही, कोई बीडिंग नहीं हो रही, कोई सरकारी अधिकारी नहीं आ रहा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आ रहा, जिससे बोले हम आड़ेती हमारे क्या करें। आड़ेती भी परेशान है, कोई बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई खरीदारी नहीं हो। अधिकारी कोई आए जब तो बात करें, कोई आए तो सही मंडी में। यहाँ 4 दिन हो गए, मच्छर खा रहे हैं यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, सारा बिगड़े पड़े, किसान पर कहाँ टाइम है। गाँव चंदेटी निवासी सुखबीर सिंह किसान ने बताया कि खरीद एजेंसी अपनी मनमानी कर रही है, किसानों की फसल खरीदी नहीं जा रही है। सभी कलारे भी यहाँ तो ना कोई तोल लो ना कोई ले रो न कोई आरो है, 4 दिन से पड़े हैं। कुलदीप सिंह भड़ाना ने कहा कि पलवल अनाज मंडी में शनिवार से लेकर मंगलवार अभी तक गेहूं खरीदी नहीं हुई है। मंडी में आने वाले किसान दुखी व परेशान हैं। खरीद एजेंसी किसान को जानबूझकर परेशान करने में लगी हुई है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी व अधिकारी को भी समस्या के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो आज सोमवार को नहीं हुई, आज भी कोई उम्मीद दिख नहीं रही, किसान परेशान है। 3-4 दिन से संडे से माल पड़ा है किसानों का। सेठी से बात करी थी जी, गए थे जी, कल भी गए थे वहाँ, परसों भी गए थे, तो सेठी साहब ने उनको फोन करा जो परचेजर हैं, वो कहते हैं कभी बारदाना नहीं है, कभी कुछ नहीं है, वो बहाने मार रहे हैं। मंडी सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि जिले में गेहूं की बंपर पैदावारी हुई है, अनाज मंडी में गेहूं की आवक लगातार बढ़ रही है। मंडी में अब तक 9,30,000 क्विंटल के करीब गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर खरीदी एजेंसी के दिशा निर्देश जारी किया है। अब तक लगभग 9,30,000 क्विंटल के करीब पलवल मंडी में DFSC और SWC के द्वारा खरीद की गई है, और अब हमारे हिसाब से बस थोड़े बहुत ही किसान होंगे जो हाथ से काट रहे हैं, क्योंकि कंबाइन वाले तो अधिकतर आ ही चुके हैं, हाथ से जो कट रहे हैं वो शायद अभी रहे। पिछली बार की अपेक्षा आपकी बार फसल में ऐसा कुछ नहीं था, आपकी बार जो फसल की मात्रा है और अधिकता है वो अधिक बैठी है, जो दाना है काफ़ी मोटा है, अब की बार फसल काफ़ी अच्छी हुई है। और पिछले साल जो 1 किले में फसल बैठती थी, सब की बार अधिक फसल 1 किले में बैठी है, जैसा कि किसानों ने बताया। हम भी मंडी में देख रहे हैं तो फसल काफ़ी ठीक है।